जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये नूरिया का एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, आईना के नाम से है। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। सबसे पहले ये फ्रंट के पैनल्स का व्यू देने लगा हूँ आपको। ये फ्रंट के एम्बेलिशमेंट पैनल आ जाएंगे, टोटली अड्डा वर्क पे है। काम की क्वालिटी आप देख सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल के साथ इसको रेडी किया गया है। रॉ सिल्क फैब्रिक के ऊपर है, कलर स्कीम सेम एज ओरिजिनल। ये दबके का काम हुआ है अंदर, इसके पैनल्स का व्यू आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल इसके फ्रंट के 6 पैनल आएंगे, इसको डबल किया गया। ठीक है, इसके बाद ये इसके बैक के पैनल आ जाएंगे, एम्ब्रॉयडर्ड बैक के पैनल आ जाएंगे। इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी तिल्ला सीक्वेंस रेशम वर्क का काम हुआ है, सीक्वेंस भी हुआ है, डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया गया इसके ऊपर, ये देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 12 पैनल होंगे इसके। इसके बाद ये इसके फ्रंट और बैक की जॉक आ जाएगी, ये जॉक आ जाएगी इसकी फ्रंट की, टोटल एम्बेलिश्ड हैवी हैंडवर्क के साथ है। इसका क्लोजअप दिखा रहा हूँ आपको, क्लोजअप चेक कर लें। और ये इसकी बैक की योक आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये इसके स्लीव्स आ जाएंगे, स्लीव्स का फैब्रिक भी आप देख सकते हैं, इसका लॉन्ग स्लीव्स बन जाएंगे, टोटली एम्बेलिशमेंट के ऊपर है। ये इसका बॉर्डर है और ये इसका मोटिव, ये भी एम्बेलिशमेंट है। और ये भी देख सकते हैं टोटल हैंडवर्क हुआ है, अड्डा वर्क है, कोई पेस्टिंग का काम नहीं है इसके ऊपर, रॉ सिल्क फैब्रिक है। ठीक है, उसके बाद ये इसके आपको मैं दुपट्टा शो करने लगा हूँ, और गेंजा फैब्रिक के ऊपर इसका दुपट्टा है, 4 साइड बॉर्डर के साथ ये रेडी हुआ है, किरण लेस भी यूज़ की गई है। ये इसका दुपट्टा देख सकते हैं, टोटल रेडी टू वेयर है, पन्नी वर्क का काम हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये इसका माथा पट्टी के ऊपर भी हैंडवर्क किया गया है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और गेंजा पे इसका दुपट्टा आएगा। मैक्सी का फैब्रिक जो है वो रॉ सिल्क के ऊपर है। और ये इसका ट्राउज़र आ जाएगा साथ, ट्राउज़र का फैब्रिक आ जाएगा, और ये इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।